हेलो, वेलकम टू माय चैनल शी ब्यूटी। और आज मैं लेकर आई हूँ मिंत्रा कुर्ता सेट हॉल, और ये एक फेस्टिव वियर हॉल है। और इसके अलावा मैंने एक कुर्ता सेट लिया है मीशो से। एक्चुअली आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे मुझे मीशो से परचेजिंग करने के लिए। इनफैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप मीशो हॉल कब करेंगे, मीशो हॉल कब करेंगे। तो फाइनली मैंने परचेजिंग की है, बट फर्स्ट टाइम परचेजिंग थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही प्रोडक्ट मंगाती हूँ, अगर अच्छा रहा तो ही मैं आगे परचेजिंग करूंगी। और मीशो ने मुझे कोलैबोरेशन के लिए भी कॉन्टैक्ट किया है, तो देखते हैं अगर मेरी कोई कोलैबोरेशन में वीडियो आएगी तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एक लिया है और ये मैंने खुद से परचेज किया है। इसके अलावा मैंने लिए हैं मिंत्रा से कुर्ता सेट, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मिंत्रा वाले दिखाती हूँ जो मैंने मिंत्रा से लिए हैं। तो फर्स्ट जो कुर्ता सेट है वो है ये, और ये है ब्रांड इंडिया से। इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, लाइक बहुत ज़्यादा कुर्ता या फिर कुर्ता सेट नहीं मिलेंगे, लाइक ओरेलिया में जैसे मिल जाते हैं, लिबास में जैसे मिल जाते हैं, बट इसमें लिमिटेड हैं। बट ज़्यादातर इनका जो कलेक्शन है वो फेस्टिव वेयर कलेक्शन है, तो अभी फेस्टिव वेयर ही चाहिए तो अभी के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप इस ब्रांड में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इसी की तरह एक ब्रांड है इंडस, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। और इसका अगर आप ऑफलाइन परचेजिंग करना चाहते हैं इंडिया ब्रांड की, तो वो भी आप कर सकते हैं मॉल्स में या फिर मार्केट में, शायद लाजपत नगर में भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ भी इसका आउटलेट है, वहाँ से भी इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये इस तरह का सिल्क वाला कपड़ा है इसका, और इसमें अंदर ये लाइनिंग भी दी हुई है, बट लाइनिंग इसकी मैचिंग नहीं है। लाइक ग्रीन है कुर्ता, तो ग्रीन नहीं है लाइनिंग इसकी, बेज कलर की। इसमें अंदर जो लाइनिंग अटैच्ड है वो बेज कलर की है, और इसके नेक पे ये गोटा पट्टी वाला वर्क है। बाकी पूरा कुर्ता इस तरह से है ये, और ये साइड स्लिट कुर्ता है, और स्लिट भी इसकी ठीक है, मतलब बहुत हाई स्लिट नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई स्लिट होती है तो उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो थ्री क्वार्टर स्लीव्स हैं, स्लीव पर कोई गोटा पट्टी नहीं लगी है, सिर्फ इस पर जो गोटा पट्टी है वो इसके नेक पर ही है, बस जितनी भी है इस तरह से बटन है और गोटा पट्टी है। और बाकी ये वाला जो प्रिंट है आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये फॉइल प्रिंट है, और फॉइल प्रिंट बहुत ही शाइनी है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा डल वाला फॉइल प्रिंट नहीं है, बहुत ही शाइन कर रहा है, वैसे वाला फॉइल प्रिंट है। तो इसका इनर भी एक बार आपको इधर से दिखा देती हूँ। इसमें इनर मुझे लग रहा है कि अगर शायद मैचिंग होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसमें मैचिंग इनर अटैच नहीं है, ये बेज कलर का है। और ऑल्दो ये भी इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और क्योंकि ये सिल्क है तो इसके साथ में ये भी सिल्क का ही कपड़ा अटैच्ड है, तो ठीक है, मतलब कुर्ता अच्छा है पार्टी वेयर। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो ये गोटा पट्टी है ये हर कुर्ते में ही होता है, आप किसी भी ब्रांड से लीजिए, इसी ब्रांड से नहीं, ये थोड़ा सा चुभता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये थोड़ा सा चुभ रहा है इसका जो गोटा पट्टी है, यहाँ से नेक से शोल्डर से, इनफैक्ट यहाँ से ये गोटा पट्टी थोड़ा सा चुभ रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब पहना जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये आपको डेली में तो पहनना नहीं है, फेस्टिव वियर है। इसके साथ में है ये ट्राउज़र, और ट्राउज़र इसका ये मतलब बेज कलर है, इसको बेज बोल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा क्रीम कलर की साइड है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसका वही है कलर। और इस पर भी ये फॉयल प्रिंट है, वो थोड़ा सा बेज कलर का है फॉयल प्रिंट, तो ये मतलब इसको आप ज़रूरी नहीं, इसी कुर्ते के साथ में आपके बहुत सारे कुर्तों के साथ में चला जाएगा। और ये प्लाजो भी नहीं है, और ये कुछ कुछ मतलब पेंसिल पेंट भी नहीं है, ट्राउज़र है। और उस ट्राउज़र में भी अच्छी बात ये है कि लाइनिंग लगी हुई है, अंदर देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर की, इस तरह से लाइनिंग अटैच्ड है, तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। और इसका जो एमआरपी है वो है 3400, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे शायद 1500 तो मिला है अभी भी, और वैसे भी अभी सेल आने वाली है मिंत्रा पर, काफी बड़ी सेल है वो, तो आप उस सेल में परचेजिंग करेंगे तो आपको जरूर सस्ता मिल जाएगा, और वो अमेजन पे भी आएगी सेल, फ्लिपकार्ट पर भी आएगी, जहां से आपको सस्ता मिले वहां से ले सकते हैं, मैं आपको सभी जगह से लिंक्स दे दूंगी। और ये जो ट्राउज़र है ये ऊपर इस तरह से है, मतलब पीछे इसकी इलास्टिक है ये इस तरह से, आगे ये बेल्ट है, और साइड में इसके जिप भी है और हुक भी है। और वैसे मुझे जो हुक होता है यहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता, मुझे लगता है एक ही सा होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपको पूरा दिन पहनना है तो जिप तो ठीक है, बट हुक कई बार चुभने लगता है, तो ये मतलब ठीक है, मतलब अवॉइड कर सकते हैं इसको। बट ओवरऑल ये कुर्ता सेट में बोलूँगी कि बहुत अच्छा है, अगर आपको फंक्शन के लिए चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, और अगर आप दुपट्टे के बिना कंफर्टेबल हैं तो भी कंफर्टेबल हैं दुपट्टे के बिना तो भी ठीक है, और अगर आपको दुपट्टा लेना है तो आप इसके साथ में बेज कलर का दुपट्टा या फिर कोई और कॉम्बिनेशन उसके साथ में बना सकते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट कुर्ता सेट जो मैंने लिया है मिंत्रा से। इसके अलावा सेकेंड कुर्ता सेट भी मेरा मिंत्रा से ही है। एक्चुअली इस कुर्ता सेट को मैंने सोचा था कि मैं जो वो हॉल बनाऊंगी
करवा चौथ स्पेशल हॉल बनाऊंगी, उसमें मैं इसको दिखाऊंगी और उसी के लिए मैंने इसकी परचेजिंग भी की थी। और ये है ब्रांड प्राख्या से, प्राख्या ब्रांड है इसका। और ये इस तरह का कुर्ता है, कॉटन का है ये कुर्ता, और पूरा इसके साथ में दुपट्टा भी है, एक करके आपको दिखाऊंगी। कुर्ता इसका ये इस तरह से है, प्लेन है, और इसकी जो कॉटन है वो भी बहुत अच्छी है। इस तरह का इसका ये नेक है यहाँ पर, और थ्री क्वार्टर इसकी स्लीव्स हैं, और इसका रेड कलर भी बहुत अच्छा सा रेड कलर है। और ये फ्रंट स्लिट है, साइड स्लिट तो है ही प्लस फ्रंट स्लिट भी है ये कुर्ता। और इसका जो फ्रंट से स्लिट है ये काफी हाई है, मतलब स्लिट जो है अच्छा खासा लंबा, आप देख सकते हैं स्लिट अच्छा खासा लंबा इसका, ये फ्रंट वाला स्लिट है। तो ये फ्रंट स्लिट कुर्ता है, बाकी पूरा कुर्ता प्लेन है, इसमें बहुत कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। और इसके साथ में जो ट्राउजर है सेम ही कपड़े का ट्राउजर है, मतलब पूरा कुर्ता सेट जो है वो प्लेन ही है, तो सेम ही कपड़ा है ट्राउजर का भी। और इसमें इस तरह से दिया हुआ है, पूरा इलास्टिक बैंड है और इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कोई जिप नहीं है, हुक नहीं है, जो मुझे ज्यादा बेटर लगता है हुक और जिप के कंपैरिजन में। और इसका जो ये थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा ये चौड़ा है बॉटम पार्ट यहाँ से, तो ये वाला है, ये है इसका पूरा मतलब कुर्ता सेट है ये, प्लस इसके साथ में है ये दुपट्टा, दुपट्टे पे ये गोटा पट्टी का वर्क हुआ है और प्लस फॉयल प्रिंट। तो ये मतलब आप देख लीजिए, अगर आपको ही अच्छा लगता है उसके हिसाब से, करवा चौथ के हिसाब से, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो भी 1899 इसका शायद प्राइस है, और बट ये शायद 70% ऑफ में था, तो मुझे नहीं लगता ये इससे कम होगा, बट अगर इससे कम हुआ तो आप इसको सेल में चेक कर सकते हैं। और ये सिर्फ मिंत्रा पर ही है, इसको मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था, वहाँ नहीं है अवेलेबल ये। इसके साथ में कॉटन का दुपट्टा है, दुपट्टा काफ़ी लंबा चौड़ा, काफ़ी चौड़ा है एक्चुअली, लंबा तो इसको नहीं बोलूंगी। और ये दुपट्टे की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो आप अगर 2.25 मीटर का दुपट्टा पहनते हैं तो आपको 2 मीटर की लेंथ कम लग सकती है, बट इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, थोड़ा सा मतलब जो स्टॉल वाली लेंथ होती है वो वाली इसकी लेंथ है, बट चौड़ा काफ़ी है। इसको आप चौड़ाई देखेंगे ना इसकी, तो चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। बाकी पूरा दुपट्टा ये कॉटन का ही दुपट्टा है, इनफैक्ट जो कपड़ा ये कुर्ता सेट का है पूरे, वही कपड़ा इसका भी है। और ये काफ़ी, इसका जो फॉयल प्रिंट है ये दिया हुआ है, प्लस इस पे ये गोटा पट्टी है, बीच बीच में ये यहाँ पे ये गोटा पट्टी है, तो ये काफ़ी मतलब एक हैवी सा लुक दे रहा है। और मुझे लगता है कि इसको हम डेली में भी पहन सकते हैं, लाइक हमने सिर्फ कुर्ता पहना और उसके साथ में कोई दुपट्टा नहीं लिया, या फिर कोई प्लेन दुपट्टा ले लिया, और अगर हमें किसी स्पेशल ओकेजन के लिए पहनना है तो विद दुपट्टा पहन सकते हैं। तो ये है मेरा सेकेंड कुर्ता सेट जो मैंने लिया है मिंत्रा से। अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट जो मैंने मीशो से लिया है, मैंने आपको बताया था मीशो से एक ही कुर्ता सेट लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मीशो से, तो आपके साथ भी शेयर करूंगी कि कैसा रहा। तो फर्स्ट है ये वाला, इसके सिर्फ नेक पे यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी है, जितनी ये यहाँ पे है बनी हुई इतनी है, बाकी इस पे नीचे इस तरह से बूटे बने हुए हैं। और ये जो प्रिंट है, जो व्हाइट वाली स्ट्राइप दिखाई दे रही है, ये रबर प्रिंट है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का रबर प्रिंट है, ऐसे नहीं कि खराब नहीं हो जाएगा, वैसा है जैसे मैक्स के कुर्तों में आता है कुछ कुछ वैसा ही है। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 स्लीव्स हैं, और स्लीव्स पे यहाँ पर ये कॉटन की लेस लगी हुई है, और यही लेस इसके पल्लू पर भी लगी हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही वाली लेस इसके यहाँ पर भी लगी हुई है। तो ये वाला कुर्ते का जो फैब्रिक है रेयॉन है, तो रेयॉन काफ़ी कंफर्टेबल होता है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि रेयॉन का जो फैब्रिक है वो कॉटन से भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो ये इसका है कुर्ता, प्लस इसके साथ में बॉटम भी है। और इसी का सिमिलर कुर्ता मैंने फ्लिपकार्ट पर भी देखा था, बट वो मैंने बाद में देखा, बट मंगाना तो मीशो से ही था, तो इसलिए मैंने इसको मीशो से मंगाया। इसके साथ में ये है इसका बॉटम, बॉटम इसके वाइट कलर का है, उसका भी फैब्रिक रेयॉन है, इनफैक्ट कुर्ते से अच्छा फैब्रिक इसके बॉटम का है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिन मटेरियल है उसके कंपैरिजन में कुर्ते के। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे ये इलास्टिक दी हुई है, कोई जिप नहीं है। और इसका जो ये बॉटम है, यहाँ पे इस तरह से कॉटन की लेस लगी हुई है, और लेस की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और ये थोड़ा सा कुछ कुछ पेंसिल पैंट वाला ही लुक देगा आपको, मतलब ये ट्राउजर टाइप नहीं है, यहाँ पे प्लाजो तो बिल्कुल नहीं है, तो ये कुछ कुछ पेंसिल पैंट की तरह ही आपको लुक देने वाला है। तो मैं बोलूंगी कि फर्स्ट टाइम मैंने परचेजिंग की है, और इसके साथ में मास्क भी आया है, ये इसके साथ में कुर्ते का मैचिंग मास्क भी है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको ले सकते हैं, मतलब मुझे ओके लगा, मतलब लाइक पहली बार मैंने परचेजिंग की है तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही थी कि पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो उस हिसाब से अच्छा ही है। तो मैंने इसको रिटर्न भी नहीं किया, इनफैक्ट इसको कई दिन हो गए मुझे रिसीव हुए,
तो बस ये था मेरा आज का हॉल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शी ब्यूटी 91। थैंक यू।